नोएडा की बोली है ताली तो यार। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये यहाँ का पार्क है, नेशनल पार्क। यहाँ सारे ये पेपर देने आए हैं, सारे के सारे। मुझे तो बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा बेल्ट और ये कान का निकाल के आओ, इसको मैंने खोल के वॉलेट में रख लिया। तो गाइस आ गया केशव, आप देख सकते हैं कैसा गया है। 1 बज गए हैं और इसका रिव्यू लेते हैं एग्जाम का कैसा गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? बहुत बढ़िया, होपफुली आप सब बेच होंगे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और आज बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ। पूरी ठंड में सबसे पहले उठाऊंगा 7 बजे, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम है GD कॉन्स्टेबल का। सो कि मैंने फॉर्म फिल किया था, किसी का सेंटर पड़ा दिल्ली में ही पड़ा सेंटर, लेकिन दिल्ली एंड में हरियाणा साइड। सो दिनेश वाले भी आ रहे हैं, 8 बजे तक आ जाएंगे। मैं भी फटाफट फ्रेश वगैरह होकर रेडी होता हूँ, नहाता वगैरह हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। बस मैं तो फुल रेडी हो चुका हूँ और सुबह सुबह आँखें भी नहीं खुल रही, लेकिन नहा धोकर पूरा रेडी हो चुका हूँ। अब दिनेश और आदित्य का वेट करते हैं, फिर निकलेंगे। अभी वैसे कह रहे थे 10 मिनट में पहुँच जाए, वो भी वेट करते हैं। सुबह इस कुछ खा लेते हैं, चाय बिस्किट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर टाइम लग सकता है। घर से खा के जाना प्रेफर करता हूँ मैं, बाहर का आपको पता ही है। ऑफिशियली परंपरा करते हैं पेपर जाने से पहले दही और चीनी। इन लोगों के चक्कर में बहुत लेट हो गया, अगर पेपर छूटता है और मेरा GD कॉन्स्टेबल रह जाता तो इनकी गलती है। सो गया आदित्य का तो हर टाइम का एक ही बहाना है, मतलब मस्त मस्त बहाने सोचता है सुबह सुबह। मेट्रो कार्ड लाया, मेट्रो कार्ड नहीं है चले वहाँ, भीड़ हो गई। किताब भी नहीं लाया तो पढ़ेगा क्या 3 घंटे? बात रखा है भाई मैंने, तेरी तरह नहीं। हाँ हाँ गाइस, आदित्य सुबह मैसेज कर रहा था मुझे कोल्ड हो गया। आज क्या बन गया भाई, तबीयत खराब है इसलिए। चल रात तक रेडी रहता, सुबह कंबल में बहाने सोचते हैं। ऐसे जिम के लिए भी करता था गाइस। गाइस सबित का तो गाइस क्या ही बताऊँ, दोस्त ऐसे होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं, लेकिन सबित तो दल्ला आदमी है। अगर सबित ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ गया होगा कि कितना ज़्यादा दल्ला। फोन स्विच ऑफ कर लिया, नंबर नंबर ब्लॉक कर दिया। सुबह इस मेट्रो पहुंच चुके हैं, मेट्रो तो गाइस पहुंच चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। और जल्दी जल्दी आदि देख, हम दोनों टिकट लेंगे तो जाके मेट्रो पर लेट जाइए, मतलब मेट्रो को आगे मत जाने दो, ठीक है? चल जल्दी आ। सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो गए, सुबह मेट्रो का टिकट ले लिया। चलते ऊपर प्लेटफॉर्म पे, वो दोनों देख लो कितनी दूर है, वैसे लग रहा है उनका आ गई मेट्रो। गाइस देखो हमारे साथ धोखा हुआ है, इसको बैठने को मिल गया, हमें नहीं मिला। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करी थी पेपर के, इसलिए मैं सीट पर गया हूं। कितना दिन लास्ट वक्त में स्टैंड में खड़ा हूं मैं। सुबह राजीव चौक आते के साथ ही हमें सीट मिल चुकी है तीनों को, तो बहुत खुशी की बात है। अब उतरने का टाइम हो गया है, अभी भी टाइम हो गया। तो गाइस ऐसे प्रिजर्व सीट हमारे लिए बनानी चाहिए, सीट्स फॉर मेन एग्जाम देने जा रहे हैं तो नहीं, सीट फॉर होना चाहिए। एडमिट कार्ड देगा कि सीट दे, बिल्कुल ये गाड़ी जाएगी। क्या बताऊँ कि गाइस बहुत आराम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। बाद में नहीं, अभी बताऊँ, अभी नहीं बताऊँगा। लोगों को सीट देनी चाहिए, पता है मैंने दी थी, नहीं डाल दूंगा। आराम है, आपको बाद में बताता हूँ। गर्दन में दर्द हो रहा है भाई, जल्दी बोल फिर। सो गाइस कीर्ति नगर पहुँच चुका है, कीर्ति नगर से मैं फिर दोबारा चेंज करनी पड़ेगी मेट्रो। पहुँच गए हैं टाइम पे, 9:30 हो रहे, 9:30 हो रहे, ज़्यादा लेट भी नहीं है, आधे घंटे और लगेंगे अभी, तो जल्दी जल्दी। सो गाइस यहाँ पेपर के लेट हो गए, यहाँ बीच में मेट्रो रोक दी है, पता नहीं यार कैसा ड्राइवर है, स्टेपनी लगा रहे हैं ना।
बहुत आ रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, यहाँ से एग्जिट है और टाइम पे पहुंच गए हम, आधे घंटे पहले ही पहुंच गए। दाल ना जोड़ा पीछे हो दाल यहाँ से जा रहा हूँ मैं एग्जाम देने के लिए ईश्वर बैठ के, और दिनेश और अजय के पास से मैं फ़ोन छोड़ दूंगा क्योंकि वहाँ पे सबमिशन का झंझट नहीं पालना चाहता मैं। यहीं पे दे देता हूँ आदित्य और दिनेश को, और वो लोग पैदल ही पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद घूमते घूमते। तो चलते हैं हम, जल्दी बोल गए। शुक्र से दिनेश और आदित्य अभी टाइम पे पहुँच गए, मुझे तो बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा बेल्ट और ये कान का निकाल के हूँ, मैंने खोल के वॉलेट में रख लिया। ऑटोडन चाहिए ना? नहीं, चल रहे अंदर वापस। चलो भाई, अब ऑल द बेस्ट भाई। चलो ऑल द बेस्ट। कुलचे लगवा लिए? नहीं है सगा, इसमें अभी आया था, ये बाहर कुलचे खा रहे थे। सोच छोड़ो भाई, चलते हैं अब वीडियो बनाते हैं। गाइस हम हो चुके हैं बोर, और कैसा अभी तक आया नहीं है पेपर दे के। लग रहा है भाई आज निकाल के रहेगा, आज तो क्लियर है। सो गाइस यहां पे हमारे बोर हो गया। गाइस हम यहाँ देखो बैठे हैं, यहाँ पे देखिए टाइम पास नहीं हो रहा बिल्कुल भी। दो घंटे से हम बैठे हैं और ना कोई पार्क है ना कुछ है, यहाँ बस क्या है, सारी इंडस्ट्री है। कैसे अपने हमको पार्टी नहीं दी आज? अब भाई कुछ खाना पड़ेगा भाई, नहीं पार्टी दी, ऐसे बैठना पड़ रहा है। इसके सोने का हमारे पास ही है, बेच देंगे आज ज्वेलरी पे जाके। गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये यहाँ का पार्क है, नेशनल पार्क। यहाँ सारे ये पेपर देने आए हैं सारे के सारे। तो गाइस आ गया केशव, आप देख सकते हैं कैसा है। 1 बज गए हैं और इसका रिव्यू लेते हैं एग्जाम का, कैसा गया देखो। कैसा गया? ठीक ही ठाक गया यार, मैथ काफी ज्यादा। मैथ क्या काफी ज्यादा? आठ ही मैथ, कितने क्वेश्चन करे? आठ ही कर पाया मैथ से, सबसे लास्ट में मैथ निकाले। टोटल कितने आए? टोटल टोटल नहीं बता सकता, अटेम्प्ट तो करे सारे, बैच के छोड़ दिए और जो तीन जो दो कर दिया कि क्लियर हो जाएगा। भाई ये जो खेत देख रहे हो आप लोग, ये वही खेत है जो DDLJ में यूज किया गया था। यहीं पे शूटिंग हुई थी और यहीं पे सिमरन भागी थी, और सामने है प्लेटफॉर्म, मेट्रो पे चढ़ के भागी थी। वही रेलवे स्टेशन है, और आज आज लेकिन सोच नीचे से हाथ कैसे दिया होगा ऊपर से। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो गाइस आते वक्त दो बार मेट्रो चेंज करनी पड़ गई है, दिनेश ने गलत मेट्रो ले ली थी। ये है इसकी गलती है सर, ये अभी फोटो लेने में लगा हुआ है। सो गाइस एज एक्सपेक्टेशन से मैथ काफ़ी ज़्यादा टफ थी, टफ मीन्स कह नहीं सकते, ज़्यादा टफ थी। हो तो जाते लेकिन यार टाइम टेकन बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चन, पेपर बस मैथ के चक्कर में लग नहीं रहा, पेपर अच्छा गया। वो फोटो खींच रहे हैं, पोज दे रहा है। सो गाइस देखो आदित्य ने कितनी मस्त फोटो ली है, कौन है ये हीरो? अच्छा हाँ गाइस देखा हो, गाइस एक और दिखाता हूँ, मस्त फोटो आई यहाँ पे हम। ये सो गाइस अभी हम डॉक्यूमेंट में नहीं भेजूंगा भाई, पहले जाना है हमें कीर्ति नगर, फिर वहाँ से फिर बेकौन मेट्रो चेंज। तो भाई बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं बिरयानी ऑर्डर कर लिया, पहले बिरयानी खाते हैं। मेट्रो से निकल चुका हूँ, सीधे यहाँ से ऑटो में करनी है घर के लिए, बिरयानी खाते हैं फिर चलते हैं वापस घर। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:55, और अभी घर पहुंच चुका हूं मैं। और अभी मैं एक पोता ब्लॉक्स है जो कि वहीं पे मुझे मिले थे, सो उन्होंने रिव्यू लिया था पेपर वगैरह का, सो उन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया। सो दिखाता हूं मैं भी उस वीडियो में। अच्छा भाई कौन सा आपका गाँव? नोएडा से। नोएडा
गजब की बोल ली है ताली तो यार तेरा भाई रीजनिंग अच्छी गई मैथ के चक्कर में तैयारी कितने करी तुमने रोजगार की धमकी ऐप सबसे बेस्ट ऐप है अगर किसी ने नौकरी ढूंढनी है भाई रोजगार की धमकी ऐप डाउनलोड कर ये सही कह रहे हैं मेरा भी चैनल है केशव सिंह ब्लॉग जाओ कौन सा है चैनल केशव सिंह ब्लॉग से ठीक है भाई जाकर देखना भाई का चैनल करो एक नंबर का जेंटलमैन की लुक है तू भी एक नंबर So guys, देखा आप लोगों ने मैंने ऐसी और एक और मैंने इंटरव्यू दिया उस इस पर तो मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं एक लड़की का चैनल है एजुकेशनल हब उसने अभी वीडियो अपलोड नहीं करी है तो उसका भी दिखाऊंगा उसमें तो काफी देर तक बोला हूँ मैं ये तो इसमें तो कमी बोला सो उसकी वीडियो आएगी तब बताऊंगा सो मम्मी अभी लगी है स्वेटर बुनने में मम्मी खाली टाइम में यही करती है और दिनेश आदित्य चले गए अपने घर हमने बिरयानी खा ली थी पेट फुल हो गया था तो भाई आग जला के बैठ चुके हैं टाइम आ चुका और हमारी ऑडियंस भी आग जला चुकी है आग प्राप्ति के लिए हेलो हाय कैसे हैं तुम आपसे तो अच्छी है 382 सब्सक्राइबर कैसे हो आप तो सो गाइस तो पड़ोसियों के रखे हुए हैं वहाँ वहाँ से अंबर चुरा के ला रहा है और इसमें डालते जा रहा है देखो अभी एक चुरा के लाया हूँ उनको भी पता चल जाएगा तो फिर चिल्लाने लगे देखो अभी एक चुरा के लाया हूँ और देखो मैं घर पे कैमरा लगाए मैं वहाँ से उनको देखने आएंगे तो मैं कट करवा दूंगा सबको पता चल जाएगा ब्लॉग में कैमरा लगा अरे तो गाइस देख लो आज हमारे पास क्या क्या सामान है खाने का चिली पटेटो मोमोस गोलगप्पे और इसमें क्या है इसमें भी चिली पटेटो गोलगप्पे वगैरह सब है सो गाइस यार बहुत तगड़ी पार्टी होने वाली है आज पापा ने पैसे दिए थे गोलू को लाने के लिए क्योंकि आज पापा की कुछ भी नहीं बोल रहा था एनिवर्सरी जून में तो पापा ने गोलू मांग रहा था बहुत दिन से पार्टी करने के लिए पैसे सो पापा ने पैसे दिए और ये इतना सारा सामान उठा के लिया है और सुमित भी है हमारे साथ सुमित के मुंह में पानी आ रहा है तो गाइस अभी मम्मी लगी है बनाने में क्या बना रही मम्मी वो एक सासी मैं सुन रहा हूँ तो कुछ इस तरह का होता है सो गाइस अभी मकर संक्रांति आने वाली है सो मम्मी लाए बनाती है हर साल मुरमुरे के लाए सो उसी के लिए गुड़ पकाया है अभी और मुरमुरे में डाला है और लड्डू बना लिए देश की महिलाओं को सेना में सबसे आगे की रैंक भरने के काबिल बनाता है हमारी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कैसे बनाया जाता है अब जल्द ही जीत का झंडा लहराएंगे अंत में K7 भी भागी के चक्र को हमारे पक्ष में मोड़ देगा सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अब जा रहा हूँ मैं ऊपर एडिटिंग करता हूँ स्टार्ट और खाना वही मोमोज वगैरह गोलगप्पे वगैरह खा के पेट फुल हो गया था सो खाना नहीं खा रही हम ऊपर चलते हैं एडिटिंग स्टार्ट करते हैं सो लव यू गाइस कीप सपोर्टिंग मी बाय मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस यू ऑल